इस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की वफाकी हुकूमत का F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा। वजीर दिफा का कहना है कि F-35 एक जदीद और काबिल भरोसा तैयारा है। तैयारों की खरीदारी पर $19 बिलियन लागत आएगी। तनकीद के बावजूद टोरंटो पुलिस बोर्ड ने $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। डाउनटाउन कोर में अफसरान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए फंड में इजाफा जरूरी था। बजट को अगले माह होने वाली मीटिंग में सिटी काउंसिल से मंजूरी दरकार है। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत। मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। बेघर अफराद के लिए वार्मिंग सेंटर खोलने के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज। शहरियों से मेयर को खत लिखने की अपील। जो बाइडन के निजी दफ्तर से भी खुफिया दस्तावेजात बरामद। तहकीकात शुरू। अमरीका का महकमा इंसाफ हरकत में आ गया। ये वाजह नहीं कि इन दस्तावेजात का ताल्लुक किससे है। यूक्रेन की मैशियत और फौज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हम यूक्रेन में हार रहे हैं, साबिक अमरीकी अहदेदारान का एतराफ। पेंटागन के साबिक सरबरा का कहना है कि यूक्रेन की मैशियत तबाही का शिकार है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की वफाकी हुकूमत ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। नए लड़ाका तैयारों के लिए कनाडा की बरसों से जारी तलाश भी को मुकम्मल दायरे में आ गई, जब वजीर दिफा अनीता आनंद ने बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए F-35S के बेड़े की मनसूबाबंद खरीदारी की तस्दीक की। मुआहदे का ऐलान करते हुए आनंद ने F-35 खरीदने के फैसले को रूस और चीन की तरफ से लाहक बढ़ते खतरात से मुंसलिक किया और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि कनाडा की फ़ौज अपने इत्तेहादियों के साथ बग़ैर किसी रुकावट के काम कर सके, जिनमें से बहुत से एक ही तैयारा खरीद रहे हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा है कि कनाडा ने फिजाइया के पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए F-35 जेट लड़ाका तैयारे खरीदने के हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इब्तदाई ऑर्डर 16 F-35 तैयारों का होगा, जिनमें से पहला 2026 में कनाडा की फ़ौज को दिया जाएगा। अगले सालों में मजीद 72 का ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे लड़ाका जेट बेड़े की कुल तादाद 88 हो जाएगी। वजीर ने तमाम 88 तैयारों की खरीदारी की लागत तकरीबन $19 बिलियन बताई, जो उसे 2017 में तयशुदा बजट में रखेगी। प्रोजेक्ट का $19 बिलियन का बजट वही है जैसा कि लिबरल हुकूमत ने पिछले साल खरीदारी का इशारा देते वक्त असल में पेशगोई की थी। आनंद और दीगर सरकारी अहलकार महंगाई के मुमकिन असर के बावजूद इस प्रोजेक्शन पर कायम है, जिसकी वजह से दूसरे बड़े प्रोग्रामों के बजट में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। आनंद ने एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, F-35 एक जदीद काबिल भरोसा और चुस्त लड़ाका तैयारा है, जिसे हमारे करीबी इत्तेहादी दुनिया भर के मिशनों में इस्तेमाल करते हैं। ये मुआहदा लिबरल हुकूमत के लिए ड्रामाई तब्दीली की नुमाइंदगी करता है।
जिसने वादा किया था कि वो F-35 नहीं खरीदेगा और उसके बजाय एक सस्ता जेट लड़ाका तैयारा खरीदेगा और बहरिया को तकवीर देने के लिए बचत का इस्तेमाल करेगा। ताहम हुकाम का कहना है कि 40 साल के अरसे में तैयारे की खरीदारी और ऑपरेटिंग के साथ साथ तैयारों के लिए नए हैंगर्स और दीगर सहूलियात की तामीर की मुकम्मल लागत तकरीबन $70 बिलियन तक पहुँच जाएगी। टोरंटो पुलिस बोर्ड ने तनकीद के बावजूद मुजव्वजा $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस बोर्ड ने तनकीद के बावजूद मुजव्वजा $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दी। नाकदीन की जानिब से चीखो पुकार के बावजूद टोरंटो के पुलिस बोर्ड ने मुतफिका तौर पर फोर्स के बजट में तकरीबन $50 मिलियन के इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने कहा कि इस रकम को कम फंडेड कम्युनिटी सर्विसेज में बेहतर तौर पर लगाया जाएगा। इस बोर्ड ने 200 अफसरान के इजाफे के साथ साथ प्रोग्रामिंग की राह हमवार की, जिसका मकसद हालिया वाकयात के बाद नौजवानों के तशद्दुद से निमटने के लिए है, जिसे टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने परेशान कुन करार दिया है। टोरंटो पुलिस के सरबराह मायरॉन डेमिको ने कहा कि $48.3 मिलियन का इजाफा रद्द अमल के औकात को बेहतर बनाने और डाउन टाउन कोर में अफसरान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए जरूरी था। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, वोकला और कम्युनिटी के मुंतजमीन ने इस्तदलाल किया कि पुलिस फोर्स को बढ़ाना जराइम को रोकने का एक नाकिस और गैर मौसर तरीका है, जो शहर में गैर मुतनासिब तौर पर सियाफाम मकामी और नस्ल परस्त लोगों को निशाना बनाता है। बजट को अगले माह होने वाली मीटिंग में सिटी काउंसिल से मंजूरी दरकार है। हालांकि जॉन टॉरी काउंसिल की तब्दीलियों को वीटो कर सकता है, एक वीटो जिसे सिर्फ 2/3 अक्सरियत सिटी काउंसिलर्स के जरिए रद्द किया जा सकता है। पुलिस चीफ ने बजट को बनाने, इसलाहात और तामीर करने के हमारे कसीर साला मनसूबे का एक अहम इकदाम करार दिया है। दरी असना नाकदीन ने हालिया रिपोर्ट का कसरत से हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि सियाह फाम मकामी और नस्ली बरादरियों को ज्यादा पुलिसिंग के तबाह को नतायज की तरफ इशारा करते हैं। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत के साथ मजीद वार्मिंग सेंटर खोलने के मुतालबात बढ़ रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत के साथ मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने के मुतालबात बढ़ रहे हैं। टोरंटो में फौरी तौर पर मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने का मुतालबा करने के लिए दर्जनों मजहबी रहनुमा शहर भर में एक मुहिम का आगाज कर रहे हैं। ये तजदीद कॉल उस वक्त आई है जब हफ्ते के आखिर में लिबर्टी विलेज में एक कैंप में आग लगने से एक बेघर शख्स की मौत हो गई। क्रिसमस के दिन के बाद शहर में बेघरी का सामना करने वाले शख्स की ये दूसरी मौत है। मुहिम के मुंतजमीन टोरंटो के तमाम बाशिंदों से कह रहे हैं कि वो मेयर जॉन टॉरी और सिटी काउंसिलर्स को लिखें कि वो GTA में वार्मिंग सेंटर्स की तादाद में इजाफा करके इस मौसम सरमा में जान बचाने के लिए इकदामात पर जोर दें, ताकि वार्मिंग सेंटर्स तक रसाई 24 घंटे दस्तियाब हो। मजहबी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि पूरे मौसम सरमा के महीनों में दिन कैंप से बेदखली और बका के सामान की तबाही, मौजूदा पनागाहों को खुला रखना, बशमूल 2023 में बंद होने वाले 5 शेल्टर होटल और बाकायदा शेल्टर सिस्टम के अंदर इजाफी 2700 गैर इज्तिमाई जगहों को शामिल करना यकीनी बनाया जाए। लोगों को ऑनलाइन खत भेजने के लिए मदऊ किया जा रहा है और अगर मुमकिन हो तो मेयर और उनके मुकामी सिटी काउंसिलर को हार्ड कॉपी भेजें। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि जब शहर क्रिसमस का जश्न मना रहा है, मौजिस मेहमान हमारी सड़कों पर मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये किसी ऐसे शख्स के लिए नाकाबिल कबूल है जो हमदर्दाना अकीदे पर अमल करता है, ये नाकाबिल कबूल है। मुहिम के मुंतजमीन ने एक रिलीज में कहा कि टोरंटो एक हमदर्द शहर है जिसमें हर एक के लिए पनाह का और वार्मिंग सेंटर की काफी जगह खोलने के लिए वसाइल मौजूद है। अमरीकी सदर जो बाइडन के नायब सदर के ज़माने की कई खुफिया दस्तावेजात इनके निजी दफ्तर से बरामद होने के बाद नेशनल आर्काइव ने मुहैदे को तहकीकात के लिए महकमा इंसाफ को भेज दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी सदर जो बाइडन के नायब सदर के ज़माने की कई खुफिया दस्तावेजात उनके निजी दफ्तर से बरामद होने के बाद नेशनल आर्काइव ने मामले को तहकीकात के लिए महकमा इंसाफ को भेज दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के साबका जाती दफ्तर से ऐसे सरकारी खुफिया दस्तावेज मिले हैं जब वो नायब सदर के अहदे पर फाइज थे। व्हाइट हाउस के हुकाम का कहना है कि उमूर इंसाफ ने उन दस्तावेजात का मुशाहिदा शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इस वाक़े पर रिपब्लिकन्स ने सदर बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा है कि साबका सदर ट्रंप की फ्लोरिडा में वाक़ रिहायशगाह से भी जब सरकारी दस्तावेज मिले तो बाइडन ने उस बात को काफी उछाला था, लेकिन वो अब खुद भी इसी किस्म की हरकत कर बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट में इस हवाले से दावा किया गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के दफ्तर से मुतादित खुफिया दस्तावेजात मिली हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि उन दस्तावेजात का ताल्लुक किस से है या उन्हें बाइडन के निजी दफ्तर में क्यों ले जाया गया। अमरीकी कानून के मुताबिक विफाकी ऑफिस होल्डर को सरकारी मुलाजमत खत्म होने पर सरकारी दस्तावेजात
साथ ले जाने की इजाज़त नहीं। सदर बाइडन के खसूसी मुशीर रिचर्ड साबर ने कहा है कि इस मामले पर व्हाइट हाउस नेशनल आर्काइव्स और महकमा इंसाफ के साथ मुकम्मल तआवुन कर रहा है। साबर ने बताया कि ये दस्तावेज गुज़िश्ता साल नवंबर में एक बंद अलमारी से मिले हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर बाइडन के ज़ाती वकला के तवस्सुत से व्हाइट हाउस और सरकारी आर्काइव से मुतालिका इदारों को मुत्तला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर 2022 को जब दस्तावेजात बरामद हुई तो व्हाइट हाउस इंतजामिया की जानिब से नेशनल आर्काइव्स को मुत्तला किया गया, जिसने अगली सुबह मवाद को अपने कब्जे में लिया। ख्याल रहे से कबल अगस्त 2022 में अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने फ्लोरिडा में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद की तलाशी के दौरान भी खुफिया फाइलों को कब्जे में लिया था। FBI एजेंट्स की जानिब से गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को ट्रंप के पॉलम बीच में वाकया मार-ए-लागो नामी रिहायशगाह की तलाशी पर बाज़ खुफिया दस्तावेज बरामद किए थे, जिस पर सदर बाइडन ने ट्रंप पर गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक अमरीकी वजीर खारजा कोंडोलेज़ा राइस और साबिक वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने एतराफ़ किया है कि यूक्रेन में जीत हमारे हाथ से निकल रही है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। साबिक अमरीकी वजीर खारजा कोंडोलेज़ा राइस और साबिक वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने एतराफ़ किया है कि यूक्रेन में जीत हमारे हाथ से निकल रही है, जबकि पेंटागन के साबिक सरबराह ने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि यूक्रेन की मईशत तबाही का शिकार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी वजीर खारजा कोंडोलेज़ा राइस और साबिक वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने रूस यूक्रेन जंग में अमरीका की मुतवक्के नाकामी का एतराफ़ किया है और अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन की मईशत और फौज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब वो मुकम्मल तौर पर मगरिब पर इन्हिसार कर रही है। उनका कहना था कि ड्रामाई तब्दीली से सिर्फ नज़र इस जीत के इम्कान ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी जानिब इसी हवाले से अमरीकी सिफारतकार और पेंटागन के साबिक सरबराह ने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि यूक्रेन की मईशत तबाही का शिकार है। उनका कहना है कि अगर सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही तो फिर मगरिब की जानिब से यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जंगबंदी पर बातचीत के लिए दबाव डाला जाएगा। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। News are precise and effective.